खा के दिखा। कैसा लगा? आज का फ्रूट केक देख के आप हैरान हो जाने वाले हैं। बिना मैदे के ही सॉफ्ट और जालीदार, बिल्कुल मार्केट से जैसा हम केक लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये केक बनके रेडी हो जाने वाला है। इसमें हम अंडे का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है। फिर भी ये केक मिनटों में झटपट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। और इसे हम बहुत हेल्दी तरीके से रेडी करने जा रहे हैं। जो हम मार्केट से लाते हैं वो मैदे का बना हुआ था, जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, लेकिन हम इसे घर में ही बनाएंगे बिना मैदे के। बहुत हेल्दी ये बनके रेडी हो जाएगा। चलिए तो बनाते हैं इस केक को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज स्पेशल किचन। सबसे पहले तो इस केक को बनाने के लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना पड़ेगा। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें मैं सबसे पहले सूजी ऐड करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने नाप से पूरी एक कप सूजी ली है। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए, ये मैं अब सूजी डालने के बाद इसमें शुगर ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने पौना कप इसमें चीनी ले लिए। अब चलिए इसमें डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। तो देखिए, मिल्क पाउडर आपका ये ऑप्शनल है, आप डालें तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। केक हमारा बहुत क्रीमिश और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। तो मैंने ये करीबन 4 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसके बाद मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने आधा कप कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये मैंने वनीला फ्लेवर कर लिया है। और ये आपके घर में होता भी होगा, ना भी हो तो कहीं भी बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ग्राइंड करके ना इसका फाइन पाउडर बना लिया है। आपको बिल्कुल इसको बारीक पीस लेना है, इसमें बिल्कुल भी मोटापन या दरदरापन नहीं रहना चाहिए। तो मैंने देखिए इस तरह से इसका पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब देखिए, मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है इन सभी चीज़ों को। आप चाहें तो पहले सूजी को थोड़ी देर दूध या पानी में भिगो के भी मिक्सर ग्राइंडर के जार में बिल्कुल इसी तरीके से पीस के रेडी कर सकते हैं। और देखिए, ये पाउडर हमारा रेडी हो गया है और इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है। अब देखिए, इसमें मैं डालने जा रही हूँ घी। ये मेल्टेड घी है, ये ऑयल नहीं है। तो आप इसमें घी डालिए, बहुत बढ़िया केक बनता है। तो मैं 1/4 कप इसमें घी डाल रही हूँ। मैंने इसको पहले मेल्ट कर लिया था। इसके बाद अब मैंने ये दूध ले लिया है। तो दूध आप जितना इसमें ज़रूरत हो उतना आप ऐड कर लीजिए। तो मैंने फ़िलहाल 1 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं दूध डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं रेस्ट पे, जिससे कि जो इसमें सूजी है ना, ये अच्छे से फूल जाएगी, सेट हो जाएगी। और आगे की तैयारी हम करते हैं। तो एक कढ़ाई को मैंने गैस के फ्लेम पे रख दिया है। इसको हम पहले से प्री हीट करेंगे। और इसमें मैं देखिए थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और नमक डालने से क्या होता ना कि जब ये बेक होगा ना कढ़ाई में, तो बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बेक होगा। तो ये मैंने पहले भी यूज़ कर रहा है केक बनाने में इस नमक का, वही नमक मैंने इसमें ऐड कर लिया। चारों तरफ फैला देती हूँ और इसको लिड से कवर करके रख देती हूँ। कम से कम 5 से 6 मिनट तक ये इस तरह से प्री हीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें केक तैयार करके रखेंगे। चलिए तो अब केक बनाने के लिए हमें एक केक टिन चाहिए। तो देखिए, ये हार्ट शेप का मेरे पे केक टिन रखा था। इसे मैंने पहले अच्छे से वॉश करके पोंछ के साफ़ करके ले लिया। अब इसमें हल्का सा ऑयल से ग्रीसिंग कर लेती हूँ और इसके बाद मैं बटर पेपर लगा लूँगी। तो मेरा ये होममेड बटर पेपर है। मैंने पहले से प्लेन पेपर एक ले लिया था, हार्ट शेप में काट लिया था। उसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, बिल्कुल बटर पेपर बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने एक पेपर ये रेडी कर लिया है। अब इस सांचे में मैं उसे सेट कर देती हूँ अच्छे से। अब देखिए, तो ये केक टिन में ना मैंने इस बटर पेपर को अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद ना ऊपर से हम हल्का सा ऑयल से फिर से ग्रीसिंग कर देते हैं।
चलिए तो अब ये जो केक टिन है इसे मैंने बिल्कुल सेट कर लिया, इसको रख देते हैं। अब इसमें बस बैटर डालना रह गया है। तो देखिए अब इस बैटर को हम देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो सूजी है बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है, फूल गई है। अभी देखिए इसको मैंने हिलाया ना, तो आपको देखिए जो दिख रहा है ना इसमें थोड़ा गाढ़ापन है। तो जो दूध हमारा अभी बचा हुआ है एक कप में से बच गया, तो उसको इसमें ऐड कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं जो ये मेरा बैटर है बिल्कुल मेरे पॉट के कलर से मैच करता हुआ, जैसा येलो हमारा ये पॉट है ना, बिल्कुल हमारा ये बैटर भी येलो ही बन के रेडी हुआ है। तो देखिए जो बचा हुआ दूध था इसमें मैंने डाल दिया है और सारा दूध मैं इसमें डाल दूँगी जितना भी बचा हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। अब देखिए ये मिक्सचर तो हमने रेडी कर लिया, अब इसमें हम डालने जा रहे हैं ये टूटी फ्रूटी, क्योंकि फ्रूट केक हमें बनाना है तो हमें टूटी फ्रूटी तो डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने 3 चम्मच के करीब ले लिया, इसमें थोड़ा सा आटा डाल के मिक्स कर लिया। मैंने ये गेहूं का आटा ही डाला है, आप मैदा भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब हम केक रेडी करेंगे ना, तो केक में क्या होता है कि नीचे चला जाता है ये सब कुछ जो भी हम इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी, लेकिन इस तरह से ये बीचों बीच सेट रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार डालने के बाद। अब देखिए इसमें हम डालने जा रहे हैं इनो, तो मैंने एक शैशे इनो का ले लिया है। अब इस पूरे शैशे को हम इसमें डाल देंगे जिससे हमारा केक स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। अगर आप इनो ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच आप बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया है मैंने इनो के ऊपर से, जिससे कि वो एक्टिवेट हो गया और इसमें बहुत स्मूथली हम मिक्स करेंगे। चलिए तो देखिए ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी है और जो हमने केक टिन लिया है उसको ले लेते हैं और इस बैटर को हमें फटाफट से इसमें डाल लेना है, देर नहीं करना है क्योंकि हमने इनो डाल दिया है। और इसको इनो डालने के बाद या बेकिंग पाउडर या सोडा डालने के बाद आपको झटपट से मिक्स करके ऐड कर देना है, तभी आपका परफेक्ट केक ये बनता है। तो देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है, आपको जैसी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है बिल्कुल इसी तरीके का लिक्विड रखना है। और आप देखिए थोड़ी सी टूटी फूटी मैंने 2 चम्मच और ली थी, इसके ऊपर से थोड़ी सी और डाल देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही दिखाई देगा, हमारा केक बिल्कुल वैसा ही ये तैयार होगा। चलिए तो ये बैटर डालने के बाद केक टिन बिल्कुल रेडी है। देखने में अभी आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये जो प्री हीट हो रही थी कढ़ाई, इसमें इस केक टिन को ऐड कर देते हैं, रख देते हैं और इसको लिड से कवर कर देंगे। कम से कम 40 से 45 मिनट हमें इसे देना है, हमारा परफेक्ट केक बन के रेडी हो जाएगा। चलिए तो 45 मिनट बाद हमने लिड हटा ली है और ये केक आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी, बहुत स्पॉन्जी बना है। और ये एक नाइफ से चेक कर लेते हैं हम, तो देखिए नाइफ बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली है, बिल्कुल परफेक्ट केक बन चुका है। अब देखिए जो केक है इसको मैं टिन से थोड़ा सा ना अलग कर लेती हूँ, इस तरह से नाइफ से ना बहुत आराम से अलग हो जाता है। ये पूरी तरह से भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो इसे फटाफट से काट लिया जाए और इसे बच्चों को खिलाया जाए। तो देखिए इसको मैं हटा देती हूँ, इस पेपर को भी बहुत आराम से हट गया और अब इसकी हम बिल्कुल मार्केट किट स्टाइल कटिंग भी कर लेंगे। और देख रहे हैं आप इसमें जो हमने चेरीज डाली थी ये चारों तरफ बिल्कुल परफेक्ट फैली हुई है इसमें। और अब इसकी कटिंग भी मैं करके दिखाऊंगी, बहुत ही जी बहुत ही स्मूथ एक केक हमारा बनके रेडी है। और ढेर सारे इस तरह से केक्स हमारे बनके रेडी हो जाते हैं, केवल 1 कप सूजी हमने यूज़ करी है। और अब इसकी देखिए जब आप कटिंग करें ना, तो हो सके तो जो दांते वाले नाइफ होते हैं ना जिसमें दांत होते हैं उसी का आप यूज़ कीजिए, बहुत आराम से कटिंग हो जाती है इसकी। आप इस केक को इस तरह से काट के और किसी टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप फ्रिज में रख लीजिए, 8 से 9 दिन तक आपका केक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में से दे दीजिए या स्नैक्स में आप इसे दे सकते हैं, बहुत इंजॉय के साथ बच्चे इसे खाने वाले हैं। और देखिए आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, चारों तरफ टूटी फूटी बहुत बढ़िया से फैली हुई है और बहुत ही जालीदार बन के ये केक रेडी हुआ है।
हम मार्केट से कितने भी बढ़िया केक ले आएं, देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए पूरी तरह से केक्स हेल्दी नहीं होते हैं। जब आप मार्केट से लाते हैं तो आप इस तरह से बहुत हेल्दी केक घर में बना के रेडी कर सकते हैं। और आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं और आपने अगर इसे बनाया है तो आपका केक कैसा बना है, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की केक की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के आगे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, मेरे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।